الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको 15वीं शाबान की मुबारक रात शबे बारात नसीब फरमाई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत मंदी और नेक बख्ती है। अब ये बड़ी रात हमारे दरमियान से गुज़र गई, लेकिन ये रात गुज़र जाने के बाद उसके कुछ असरात और उसके बरकात को छोड़ करके रुखसत हुई है। जब 15वीं शाबान की रात गुज़र जाती है तो उस दिन ज़्यादातर इबादतों की वजह से और उसके बाद नवाफिल रोज़ों की वजह से ऐसा लगता है गोया रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है, यानी रमज़ान के आने का एक एहसास होता है, महसूस होता है कि हम अब रमज़ान में दाखिल हो गए हैं। और इस रात को ला करके हमें रमज़ान के लिए गोया मुतनब्बिह किया जाता है, बेदार किया जाता है कि आगे जो मुकद्दस और बाबरकत महीना आने वाला है उसके लिए कमर बस्ता हो जाओ और उसके लिए तैयार हो जाओ और उसके लिए अपने आप को अभी से ही फारिग कर लो कि आने वाले रमज़ान का कमा हक कहू हक अदा किया जाए और कमा हक कहू उसमें इबादत की जाए, अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, इसके लिए अभी से तैयारी कर लो। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा मोहतम बिशान होती है और जितनी ज़्यादा अहम होती है उसका एहतमाम पहले से ही किया जाता है, पहले से उसकी तैयारियां होती हैं। तो आने वाला महीना जो मगफिरत और रहमत और आग से आज़ादी का जो महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उसके लिए अभी से ही ऐसी हम तरतीब बनाए और ऐसा टाइम टेबल बनाए
कि आने वाले रमजान की कोई घड़ी हमारी बेकार न जाए, रमजान की कोई घड़ी हमारी बेकार न जाए, चाहे रात की घड़ी हो या दिन की घड़ी हो, हर वक्त रमजान में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की बरकतों को हासिल करने के लिए हम प्लान बनाए और उसके लिए कोशिश के अंदर लग जाए कि ये एक अहम नेकियों के जमा करने का अजीम शान मौसम आ रहा है, सीजन आ रहा है कि 11 महीने खो देने के बाद में, गफलत में गुजार देने के बाद में एक महीना अल्लाह की इबादत में, अल्लाह से राजो नियाज में, अल्लाह के जिक्र में, कुरान की तिलावत में, दरूद पाक के एहतमाम के अंदर और दुआओं में मशगूल हो करके एक महीना ऐसा हम गुजार दे ताकि 11 महीने की गफलत और कोताहियां हमारी ख़त्म हो जाए, कि जो 11 महीनों में दुनिया की मोहब्बत को अपने अंदर पैदा किया है, दुनिया की गलाज़तों को अपने अंदर जमा किया है और अल्लाह को नाराज़ किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, नबी अलैहिस्सलाम को नाराज़ किया है, तो अब दोबारा अल्लाह हमें एक और रमज़ान दे करके ये मौका मयस्सर फरमा रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान की तैयारी के अंदर लग जाओ और आने वाले रमज़ान को सही मानों के अंदर अल्लाह से रहमत और बरकत और मगफिरत को हासिल करने के लिए अपने आप को खपा दो, अपने आप को लगा दो। इसीलिए प्यारे आका ताजदार मदीना हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के अखीर दिनों के अंदर एक खुतबा इरशाद फरमाया और ये कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए, कयामत तक के आने वाले इंसान के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें नसीहतें फरमाई कि रमज़ान क्या है। वही नसीहत जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई मैं आपको सुना रहा हूँ, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बतलाई कि रमज़ान क्या है। हज़रत सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अन सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु काल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौम मिन शाबान फया अय्युहन नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहर शहरुन मन तकर्रब फीहि बिखसलतिन अद्दा कान कमन मन तकर्रब फीहि बिखसलतिन कमन कान अद्दा फरीदतन फीमा सिवाहु वमन अद्दा फरीदतन कान कमन अद्दा सबीईन फरीदतन फीमा सिवा। आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे ऊपर एक अजीम शान महीना आ रहा है जो बड़ा बाबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है, और उस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात रखी है जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है और हजार महीनों से अफजल है। जअलल्लाहु सियामहु फरीदा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, और उस महीने के रोजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिया है और उसकी रात की इबादत को नफल करार दिया गया है, और जो कोई इस महीने में, आने वाले महीने में फराइज को अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक फर्ज के बदले में 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएंगे, और जो कोई इस महीने में रमजान में नफल को अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत फर्ज के बराबर उसको अजर सवाब अता फरमाएंगे। और आगे फरमाया
कि ये महीना सब्र का महीना है। वह शाहरुन सब्र कि ये महीना सब्र का महीना है। व शाहरुल मुआसात और ये महीना गम खवारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। और इस महीने के अंदर जो कोई किसी का रोज़ा इफ्तार कराए, चाहे खजूर के ज़रिए से हो और अगर उससे भी नहीं तो एक घूंट पानी के ज़रिए से हो, लस्सी के ज़रिए से भी। सहाबा ने फरमाया कि जब आपको ये फजीलत बतलाई गई कि रोज़ा इफ्तार करने का ये सवाब है कि रोज़ेदार के बकदर उसको अजर व सवाब मिलेगा और उसके रोज़े के अंदर सवाब में कोई कमी नहीं होगी, तो सहाबा ने फरमाया कि हम में से हर एक तो इसकी कुदरत और ताकत नहीं रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, एक घूंट लस्सी पिला दी, पानी का गिलास पिला दिया, तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको अजर सवाब मरहमत फरमाते हैं। और फरमाया कि ये महीना अपने मुलाजिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ के अंदर नरमी करने का महीना है कि हम अपने मुलाजिम अपने नौकरों के साथ में नरमी का बर्ताव करें। हम आम दिनों में पूरे दिन का काम लेते हैं तो रमज़ान में उसकी इजाज़त कर दी जाए या उससे आधा ही काम लिया जाए, आधे दिन के अंदर उसको रोकसत कर दिया जाए कि वो भी रोज़ेदार हैं ताकि उसके रोज़े की वजह से उसको भी नफ़ा हो और जो आका है शेर है जिसने उसके साथ में नरमी की है उसको भी उसका अजर व सवाब मिले। तो आने वाला बुजुर्गों मुकद्दस महीना आ रहा है और कुरान में अहादीस में इसके फजाइल बयान किए गए हैं। हम आने वाले महीने के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम आने वाले महीनों के अंदर अपने गुनाहों को बख्शवाए और अपने अल्लाह को, अपने मौला को राज़ी करे, अपने अल्लाह को खुश करे। आज हम सब के सामने दुनिया के हालात, इंसानों के हालात, ये महीना आता है कि अल्लाह बंदों को तलाश करते हैं, कहाँ है मेरा बंदा के मेरे करीब आए। आम दिनों के अंदर बंदा अल्लाह को तलाश करता है लेकिन मुबारक महीनों में, मुबारक रातों में, मुबारक दिनों के अंदर अल्लाह बंदे को तलाश करते हैं और मामूली मामूली बहाने से, दुआओं के ज़रिए से, इबादतों के ज़रिए से, अल्लाह को राज़ी करने के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की मगफ़िरत फरमा देते हैं। लेकिन बुज़ुर्गों अल्लाह माफ़ फरमाए, रमज़ान का भी हमसे जो हक अदा होना चाहिए वो हक अदा नहीं होता है। अगर हमारी शुरू से ही नीयत है कि रमज़ान को अच्छा गुजारना है और अच्छी तरीके से इबादत करना है तो फिर हमारी नीयतों के मुताबिक फैसला होगा, और अगर हमारी नीयत गलत है कि नहीं आम दिनों के तरीके से, आम महीनों के तरीके से गुजारना है तो फिर रमज़ान में जो आदमी महरूम रहता है तो फिर वो आम दिनों के अंदर अल्लाह को हासिल नहीं कर सकता है कि जो रमज़ान जैसी मुकद्दस घड़ियों में, मुकद्दस महीने के अंदर भी अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की रजा से महरूम रहे और अपनी मगफिरत कराने से महरूम रहे, इससे बढ़कर दुनिया में कोई महरूम नहीं है। हज़रत काब इब्न उजरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, आपने सीढ़ी के पहले कदम पर आपने अपना कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे पर कदम रखा फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी और ऐसी बात देखी जो पहले कभी नहीं सुनी थी और देखी थी कि आपने जब पहले दर्जे पर कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरे पर आमीन कहा, तीसरे पर आमीन कहा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के ऊपर रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना गुजर जाए और उसके बावजूद भी वो अपनी मगफिरत न करा सके तो उस पर फरमाया आमीन, कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके ऊपर आमीन फरमाया कि रमज़ान जैसा मुकद्दस
महीना गुजर जाए और आदमी उस महीने को भी 11 महीने की तरीके से गफलत के अंदर गुजार दे। फिर दूसरे दर्जे पर फरमाया कि जिसके माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच गए और उनको खिदमत की जरूरत है और उसकी खिदमत न कर सके और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाए, तो मैंने फरमाया आमीन। और इसी तरीके से तीसरे दर्जे पर ये जिसके सामने प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें मुबारक पेश किया जाए और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद न पड़े, तो फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसके सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए और वो दरूद न पड़े। यानी बद्दुआ दी गई और उस पर आमीन की गई, माँ बाप की नाफरमानी के ऊपर बद्दुआ की गई और उस पर आमीन कही गई। रमजान जैसा मुकद्दस महीना भी गफलतों के अंदर गुजारा गया और अपनी मगफिरत न करा सके तो उसके ऊपर भी बद्दुआ दी गई और उस पर आमीन कही गई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों, रमजान का महीना एक गोया सर्विस करने का महीना आता है। हमारा जिस्म जो दुनिया की मोहब्बत के अंदर और ईमान से दूरी की वजह से गफलत वाले माहौल के अंदर जो मुलव्विस हो गया है और गुनाहों की जो मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो चुकी है, उस गुनाहों की मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए और अंदर से गलाजतों को और अंदर से गफलत को दूर करने के लिए गोया एक रमज़ान और अल्लाह हमें अपने ईमान की सर्विस करने के लिए दे रहे हैं कि हम अपने ईमान को मुकम्मल कर ले और अपने अंदर ईमान का नूर पैदा कर ले और अपने अंदर ईमान की हलावत को पैदा कर ले और अपने अंदर से दुनिया की गफलत को और गुनाहों की मोहब्बत को और इसी तरीके से नाफरमानियों को और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जियों को हम ख़त्म कर दे और अपने आप को पाकीज़ा माहौल के अंदर दाखिल कर ले। इसलिए कि जिसका रमज़ान अच्छा गुजर जाता है, अल्लाह उसके पूरे साल को अच्छा गुजारते हैं। इसलिए आने वाले महीने में अभी से हमें रमज़ान जैसा लग रहा है, कुरान की तिलावत का मामूल बना ले, अभी से ही ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अस्कार करे। अभी से जैसी हमारी प्रैक्टिस होगी, मश्क होगी, आने वाले दिनों में वही प्रैक्टिस बाकी रहेगी, मश्क बाकी रहेगी। और अभी से ही गफलत वाले दिन गुजरेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हम जल्दी से वो मश्क जो नहीं होगी उस वजह से वो अमल नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी से ही नवाफिल का अहतमाम, दुआओं का अहतमाम, कुरान की तिलावत का अहतमाम, जिक्र अस्कार का अहतमाम, और ये महीना हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन ऐसे गुजारते थे कि इस महीने में खतो किताबत भी बन, एक दूसरे से बातचीत भी रमज़ान के अंदर बंद कर देते थे, एतकाब में गोया बैठ जाते थे, हम वक्त कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाते थे और एक एक रमज़ान में हमारे अकाबरीन कोई 60 कुरान ख़त्म करते हैं, कोई 30 कुरान रमज़ान में ख़त्म करते हैं, कोई 63 कुरान रमज़ान के अंदर ख़त्म करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह का मामूल कि रमज़ान में नमाज के अलावा तरावीह के अलावा 60 कुरान करीम ख़त्म करते और 3 कुरान तरावीह के अंदर ख़त्म करते। आज बुजुर्गों, हम तैयारी न करने की वजह से रमज़ान में कुरान को तरावीह के अंदर सुनने का भी हक अदा नहीं करते। इसलिए पहले से ही हमारी नीयत ही यही है कि अलम तरह की तरावी सुन करके पूरा रमज़ान गुजारना है और पूरे रमज़ान में कुरान करीम को सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है। बाज़े लोग, कोई बाहर सफ़र नहीं होता है, कोई उज्र नहीं होता है, 8 दिन में कुरान ख़त्म करके फिर फारिग हो जाते हैं और फिर इधर उधर अलग अलग मस्जिदों में कुरान या तो अलम तरह सुनने के लिए जाते हैं या अपने कारोबार के अंदर मशगूल हो जाते हैं। अगर कोई उज़र नहीं है सफ़र का या ऐसा कोई उज़र नहीं है कि बाद में मैं कुरान नहीं सुन सकता हूँ, तो फिर ऐसे आदमी को चंद दिनों में कुरान ख़त्म करके फारिग नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे रमज़ान के अंदर चाहे एक पारा पढ़ा जा रहा हो, चाहे सवा पारा पढ़ा जा रहा हो, 27 को ख़त्म हो,
इस तरीके से पूरे कुरान को पूरे रमजान के अंदर सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है। हाँ, इसके लिए ये रुख्सत और इजाजत है जिनको सफर है और वो बाद में उसके लिए पढ़ना अब कुरान सुनना मुश्किल है तो वो तीन पारे की तरावी में जाए, दस दिन में खत्म करे या पांच दिन के अंदर खत्म करे। इस तरीके से एक माहौल बनता चला जाता है कि जो फारिग है, आसानियां हैं, उसके बावजूद भी रमजान के 10 दिन के अंदर कुरान सुन करके बाकी के 20 दिनों के अंदर इधर उधर चाय की दुकानों के ऊपर, बाजारों के अंदर और इधर उधर न जाने गुनाहों के कामों के अंदर मुलविस हो जाते हैं और रमजान जैसा मुकद्दस महीना भी गफलत के अंदर गुजर जाता है। तो एक चीज तो ये, और इसी तरीके से बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम का रमजान में दौर करने का माहौल बनाए। अभी से हम आपस के अंदर मशवरा करें कि हमें कुरान में दौर करना है, माहौल वो खत्म हो गया। पहले बहुत से नौजवान मस्जिदों में, घरों में 10-10, 20-20 आदमी कुरान का दौर करते थे। आज अगर दौर भी करते हैं तो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे करते हैं। इसके अलावा दौर का रिवाज खत्म हो गया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ में हर साल दौर करते थे, कुरान का दौर करते थे। और जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, आपका विसाल हुआ, उस साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दो मर्तबा कुरान का दौर किया, दो मर्तबा कुरान का दौर किया। अगर हम पढ़े हुए हैं तो रमजान की मुकद्दस घड़ियों में कुरान करीम का दौर करे, अपनी मस्तूरात से भी कहे, अपने बच्चों से भी कहे, इसका माहौल बनाए और रमजान को कीमती बनाए। खाने पीने के दिन और दिन भी हमें मिल सकते हैं, अगर खाने पीने के अंदर ही रमजान गुजार दिया तो फिर बुजुर्गों और दोस्तों, हम जैसा रमजान का लुत्फ हासिल करना चाहेंगे, रमजान की बरकतों को हासिल करना चाहेंगे, वैसी बरकतों को हम हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए रमजान का हम हक अदा करें और एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र हो। फुला दो कुरान खत्म करता है, मुझे तीन खत्म करना है, मुझे पांच करना है। फुला इतनी देर इबादत करता है, दुनिया के एतबार से जैसे एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र होती है कि इससे आगे बढ़ जाऊं, कारोबार में, धंधे में, तिजारत में, नेकी के कामों में आगे बढ़ने वाले बन जाए, इसको तनाफुस कहा जाता है। रिवायत के अंदर आता है कि रमजानुल मुबारक के करीब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान आ गया है जिसमें अल्लाह तुम्हारे खताओं को माफ फरमाते हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाते हैं, तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं और तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है नेकी के कामों में, तकवा के कामों में, दीन के कामों में। अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको रमजान का कमा हक कहू हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द अज मुझे भी सेहत आफियत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको, पूरी उम्मत को, जितने भी परेशान हाल हैं, बीमार हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला तमाम को सेहत आफियत अता फरमाए।